कैसे हो दोस्तों, मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। वर्ल्ड हिस्ट्री चल रही थी और वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ लिया है जिसका नाम है प्रबोधन काल। और मैंने इस प्रबोधन काल को संज्ञा दी थी, ये आधुनिक काल का आधार है। आधुनिक काल का आधार क्यों है? तो कभी कभार एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रबोधन काल को आधुनिक काल का आधारभूत, कौन सा भूत बेटा, आधारभूत ढांचा क्यों कहा जाता है? वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन करना, बताना। कोई चीज पूछ रहा है कि आपको? नहीं, आपको क्या कह रहा है, वर्णन कीजिए। तो आपको प्रबोधन काल को आधारभूत ढांचा आधुनिक काल का क्यों कहा जा रहा है? तो मतलब अभी आपने आधुनिक काल पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। तो ये टॉपिक को, क्वेश्चन को आप टिक लगा के रखना। ये है हमारा 400 वर्ष का एक प्रश्न, जिसमें उसने जो पूछा है वो 400 वर्षों की बातों को उसने एक प्रश्न में पूछने की कोशिश की। तो कभी कभार जो प्रश्न पूछने की संभावना रहती है, यूपीएससी 5 प्रश्न पूछेगा और पूरे के पूरे इतिहास को समेट लेगा, या फिर एक ही प्रश्न पूछेगा और एक ही वर्ष में सिमटा देगा, ये उसकी खेलने की आदत है। तो उसकी ये खेलने की आदत है तो हम प्रैक्टिस कर लेते तो खेले अच्छा। तो हम प्रैक्टिस ही कर लेते हैं, ये प्रश्न को लिख कर रखिए ताकि आप लोग जैसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म हो आप इसका उत्तर लिखने में तत्परता के साथ में लग जाए। तो हमने प्रबोधन काल पढ़ चुके थे, जिसको हमने कहा था कि प्रबोधन काल जो है पुनर्जागरण काल की परिपक्व अवस्था है, जिसमें ज्ञान को विज्ञान से जोड़ा गया, कारण कार्य संबंध बताया गया, मानवतावाद पर बल दिया गया, देवतावाद पर बल दिया गया, प्रकृति की ओर लौटने की बात की गई, जिसमें प्रमुख जो विचारधारक थे उसमें रूसो, वोल्टेयर, कांट और मोंटेस्क्यू दिखाई देते। इनके कारण हमें आधुनिक काल की विचारधारा दिखाई दी, उसके ऊपर प्रभाव दिखाई दिया। अमेरिकी क्रांति कहीं ना कहीं जो हुई वो प्रबोधन काल के कारण ही हुई। कई सारे इतिहासकार कहते हैं कि प्रबोधन काल अगर नहीं होता ना तो अमेरिकी क्रांति होती, ना तो फ्रांस की क्रांति होती। दूसरी बात, आपको मैं एक और चीज बता दूं, मैं यहां से यहां तक के चला, ए से बी तक के चला, तो मेरे चलने के पीछे एक कारण यह है कि मैं सोच रहा था और सोचते सोचते चला कि मुझे यहां पहुंचना है। एक कारण क्या था, मेरी सोच। दूसरा कारण था, उस सोच को मैंने शक्ति दी तो ऊर्जा। और तीसरा कारण, सोच आई थी कि भैया यहां पर मुझे कुछ मिलेगा, तो मतलब मिलने के कारण। तो मतलब यहां तक के पहुंचने के कई सारे कारण है। एक कारण है क्या? नहीं, तो कई सारे कारण है। तो मतलब अमेरिकी क्रांति जो हुई, उस अमेरिकी क्रांति में प्रबोधन काल एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहा, मात्र एकमात्र वो नहीं रहा। मैं ये बात ज्योग्राफी में भी आपको बता रहा हूं कि भैया कारण है पर एकमात्र कारण नहीं, कई सारे कारण है। तो वैसे ही इतिहास में कोई घटना घटती है उसके लिए एक कारण होता है, परंतु वो एकमात्र कारण नहीं रहता, कई सारे कारण रहते। तो अमेरिकी क्रांति हुई तो अमेरिकी क्रांति के पीछे कई सारे कारण रहे, जिसमें प्रबोधन काल की महत्वपूर्ण भूमिका है, यही बात मैं आपको बता रहा था। अब दूसरी बात मुझे आपको ये बताना है कि मुझे आपको पढ़ानी है अमेरिकी क्रांति, बहुत बड़ा टॉपिक है अमेरिकी क्रांति। और अमेरिकी क्रांति बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं अगर मैं 25 मिनट का लेक्चर बनाऊं तो मैं लगभग 4 लेक्चर आपको बताऊंगा, और 4 लेक्चर में बताऊंगा तो अमेरिकी क्रांति प्लस अमेरिकी ग्रह युद्ध जो 1861 से लेकर 1865 तक के चला, मैं उसको इसी में ऐड करूंगा, अलग से नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसको अलग से बताने के लिए मेरे पास समय ही नहीं रहेगा। तो अमेरिकी क्रांति, तो हम देखेंगे पृष्ठभूमि क्या थी अमेरिका की, अमेरिकी क्रांति के कारण क्या थे, रीजन क्या कारण थे कि अमेरिकी क्रांति हुई, बहुत महत्वपूर्ण। अमेरिकी क्रांति का स्वरूप कैसा था, प्रकृति कैसी थी,
मध्य वर्ग की भूमिका थी, कि सैनिकों की भूमिका थी, कि सोच कैसी थी इन लोगों की, ये हमें स्वरूप में बताना है। फिर बाद में इसका देखना है प्रभाव, क्या देखना है प्रभाव, क्या पड़ा अमेरिकी क्रांति का प्रभाव आधुनिक युग में लोकतंत्र के निर्माण में कहीं ना कहीं प्रभाव बना। तो अमेरिका का प्रभाव किस किस पर पड़ा तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। अमेरिकी क्रांति चल रही थी तो अमेरिका के लोग कर रहे थे, किसके खिलाफ कर रहे थे, अमेरिका जिसका उपनिवेश था, किसका उपनिवेश था, ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अमेरिकी क्रांति के कारण कौन आजाद हुआ, अमेरिका, तो अमेरिका पर क्या प्रभाव रहा। दूसरी बात, अमेरिका की मदद किस में, फ्रांस में, तो अमेरिकी क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव रहा। और दूसरी बात, अमेरिका जिस समय में आजाद हुआ उस समय में भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बन रहा था, तो बनता हुआ उपनिवेश था कौन, भारत, और एक छूटता हुआ उपनिवेश था कौन, अमेरिका, तो बनते हुए उपनिवेश पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब हमें भारत पर, अमेरिका पर, फ्रांस पर और ब्रिटेन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये बात पढ़नी। और फिर बाद में हमें देखना है कि अमेरिका विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान बनाया, और इस लिखित संविधान में उसमें कुछ त्रुटियां रही, त्रुटियां थी दास प्रथा, और इस दास प्रथा को जब अब्राहम लिंकन के द्वारा 1861 में जब समाप्त करने की घोषणा की गई तो अमेरिका में हुआ गृह युद्ध। तो अमेरिका में गृह युद्ध के कारण और इसका परिणाम, इसके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका के लिए गृह युद्ध शल्य चिकित्सा के तरह था, जो रक्तदायी हो जाने के बावजूद भी वरदान साबित हुआ। जैसे शल्य चिकित्सा होती है कि नहीं, टेस्ट होते हैं, तो वो टेस्ट होते हैं, चीरा फाड़ी की जाती है, रक्त बहता है, पर जब व्यक्ति के चीरा फाड़ी हो जाने, जब तंदुरुस्त हो जाता है, तो उसका जब गलत मटेरियल जब निकल जाता है, फिर पूरा मटेरियल, अच्छा मटेरियल जब शरीर में रहता है, तो जीवन जीने की प्रत्याशा क्या बढ़ जाती। वैसे ही गृह युद्ध ने अमेरिका को बदल दिया। तो प्रश्न पूछा था, तो इतने टॉपिक है हमें पढ़ना है आज के दिन, हम कोशिश करेंगे ये टॉपिकों को पढ़ने की, कौन कौन से, पृष्ठभूमि और कारण। समझ में आ रहा है आप लोग, समझते चल रहे हो आप लोग, चलिए समय है, बहुत बढ़िया समय चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, सब मजे ले रहे हैं लॉकडाउन के, और धूम दबा के पढ़ रहे हैं, है ना, धूम दबा के मतलब भग कर नहीं पढ़ रहे, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ रहे, धीरे धीरे आराम से पढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है पढ़ रहे हैं। तो हम देखते भैया पृष्ठभूमि, पहले मैं आपको अमेरिका बना देता हूँ। ये अमेरिका है बेटा, ये ब्रिटेन, और इस साइड का जो देश है ये है यूरोप, कौन है, यूरोप। कहानी पृष्ठभूमि हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, पृष्ठभूमि चल रही है। पृष्ठभूमि की शुरुआत होती है, क्या हुआ, एक घटना घटी 1453 में। ये 1453 में जो घटना घटी वो आधुनिक विश्व की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस 1453 में जो वर्तमान का इस्तानबुल बुल करके जो शहर है, जिसको पहले कहा जाता है कस्तुनतुनिया, उस कस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कियों का क्या हो गया, अधिकार, उस्मानी तुर्की का क्या हो गया, अधिकार। और ये उस्मानी तुर्कियों का जब अधिकार हो गया, जो यहां पर था काला सागर के पास में, इस कस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाने के कारण भारत से जो व्यापार होता था यूरोप का, वो व्यापार हो गया बाधित, क्योंकि व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा उस्मानी तुर्की, जो अधिक मात्रा में वस्तु को बेचता था अधिक दर पर, जिसके कारण यूरोप का पूरा पैसा उठकर तुर्की के पास आ रहा था, तुर्की की आय में वृद्धि हो रही थी, और इसके कारण सैन्य शक्ति में भी क्या हो रही थी, वृद्धि। और यही कारण रहा कि यूरोपीय लोगों के द्वारा भारत तक के पहुंचने के लिए अलग मार्ग कर की कोशिश की गई, कि भैया हम अलग मार्ग से भारत तक के पहुंचे, और इसीलिए
जितने भी यूरोप के, पश्चिम यूरोप के, कौन से बेटा, ये यूरोप है पर यूरोप में कौन सा, पश्चिमी, वेस्टर्न साइड के जितने भी देश थे उनके द्वारा भारत की खोज के लिए कई सारे जहाजी बेड़े भेजे गए, जिसमें पुर्तगाल के द्वारा भेजे गए, स्पेन के द्वारा भेजे गए। और पुर्तगाल के द्वारा, स्पेन के द्वारा जब भेजे गए तो 1492 के करीब करीब एक महान व्यक्ति कोलंबस, कोलंबस के द्वारा भारत की खोज करने के लिए वो लगातार पश्चिम की दिशा में चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा। और जब पश्चिम की दिशा में लगातार चलते रहा तो वो जिस जगह पर पहुंचा वो जगह कहलाई अमेरिका। तो वो खोज किसकी करना चाहता था, भारत की, परंतु पहुंच कहाँ गया, अमेरिका। ये कब हुई, 1492, 1492। अब ये 1492 में जब खोज हुई तो इसके ऊपर स्पेन का अधिकार हुआ, पहले किस पर हुआ, स्पेन का अधिकार हुआ। स्पेन का जब अधिकार हुआ तो स्पेन के बाद में एक प्रमुख शक्ति यूरोप की जो बनकर आई वो प्रमुख शक्ति थी डच, और डच के द्वारा नौसेना शक्ति के माध्यम से, डच के द्वारा किसके ऊपर हमें अधिकार किया गया, अमेरिका के ऊपर अधिकार किया गया। और इसी के बाद में जो ये देश जिसका नाम था ब्रिटेन, क्या नाम था, ब्रिटेन, यहां पर दिख नहीं रहा होगा, यहां व्हाइट होगा तो मैं यहां पर लिखता हूं ब्रिटेन। इस ब्रिटेन के द्वारा जब पहली बार पूरे दुनिया में होने वाले नौ परिवहन में जब भूमिका निभाई गई तो 1588 आया। और इस 1588 में उसके द्वारा सबसे पहले अमेरिका पर अधिकार करने की कोशिश नहीं की, सबसे पहले उसने इस क्षेत्र में, मतलब आपको यहाँ पर इंग्लिश चैनल दिखाई देंगे, इस इंग्लिश चैनल के क्षेत्र में जब उसके द्वारा पहली बार डचों को हराया गया, और डचों को हराने के बाद में जब उसको लगा कि अब मैं हरा सकता हूँ अन्य शक्तियों को, स्पेन को हराया, सॉरी, उसके बाद उसके द्वारा अन्य क्षेत्रों पर अधिकार जमाने की कोशिश की। और इसी चक्कर में आपको दिखाई देगा कि 1600 के करीब करीब उनके द्वारा एक कंपनी की स्थापना की गई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारत में व्यापार करने के लिए प्रवेश किया। और इसी दौरान क्या हुआ कि इस देश के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा लगातार स्पेन के उपनिवेश में अधिकार जमाने की कोशिश की, और अधिकार जमाने के चक्कर में अमेरिका के ऊपर वो अधिकार कर, अमेरिका जो था वो अमेरिका वर्तमान का अमेरिका की तरह नहीं था। जितने भी यूरोप के लोग आए वे यूरोप के लोग अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में ही आए, ये अमेरिका है और इस अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में ही आए। अमेरिका में दो प्रकार के लोग रहे, एक रहे मूल निवासी जिनको रेड इंडियन के नाम से जाना जाता था, और दूसरे रहे विदेशी लोग जो दुनिया, दूसरी दुनिया से आए थे, मतलब पश्चिमी यूरोप से आए थे। वे लोग थे जिनकी इच्छा यूरोप से हटकर दूसरे देश में जाना और वहां पर रहकर समानता मूलक जीना, क्योंकि यूरोप जो था बेटा बहुत अधिक रूढ़िवादिता में कहीं ना कहीं बंधा पड़ा था। रूढ़िवादिता में बंधा पड़ा था का मतलब आप सबको पता है पुनर्जागरण काल की शुरुआत हुई थी, परंतु पुनर्जागरण काल के समय में क्या दिखाई दे रहा था, अंधकार काल। और अंधकार काल में ही पुनर्जागरण काल शुरू हुआ था, और पोप पादरियों की इच्छा ही कानून होता था, राजा का निरंकुश शासन था, और इसके कारण जनता कहीं ना कहीं दुखी होती थी। और दुखी होने के कारण क्या करते थे, जो बहुत सारे लोग जो महत्वाकांक्षी थे परंतु अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते थे, वे लोग कहाँ पर आते थे, एक खुली दुनिया में, अमेरिका में, और अमेरिका में आकर रहने लगे। अमेरिका में आकर जब रहने लगे तो जब ब्रिटेन का उपनिवेश बना तो ब्रिटेन की लगभग लगभग 90% ब्रिटेन के लगभग कई सारे लोग यहाँ पर रहे, और यहाँ पर आकर धीरे 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 जनसंख्या में वृद्धि करते रहे। और जब जनसंख्या में वृद्धि हुई तो 100% जब अमेरिका की, 100% जब अमेरिका की जनसंख्या देखी गई तो उसमें 10% डच, स्पेन और पुर्तगाली की, और साथ में फ्रांस की जनसंख्या थी, और 90% ब्रिटेन की। और इन आने वाले लोगों की इच्छा क्या थी, भैया यूरोप में जो पुरातन व्यवस्था चल रही है पोप पादरियों की महत्वाकांक्षा के कारण कहीं ना कहीं ये अपने आप को छोटा समझ रहे, वो उसके कारण से यहाँ पर आए थे, क्योंकि उनको यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं बांधा जा रहा था,
लगातार उनको धार्मिक रीति रिवाजों में बांधने की कूटने की कोशिश की जा रही थी, लगातार शोषण हो रहा था, और यही कारण है वो यहाँ पर। और यहाँ से हमें एक अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश बनते हुए दिखाई। अमेरिका जब उपनिवेश था ब्रिटेन का, तो अमेरिका ने जिस प्रकार से भारत के साथ व्यवहार किया उस प्रकार से व्यवहार नहीं किया, और उस प्रकार से व्यवहार नहीं किया जाना ही कहीं ना कहीं अमेरिका की आजादी के कारण बना। तो हम अगर देखें इस अमेरिकी क्रांति के कारण, तो हमें कारण समझ में आएगा अमेरिका की नीति, अमेरिका में ब्रिटेन की नीति। अमेरिका में जो लोग बसे वो बहुत अधिक खुले विचारों वाले थे, और खुले विचारों वाले होने के कारण उन्हें पता था कि भैया हम किस लिए यहाँ पर आए हैं। और जब ब्रिटेन में 1688 के करीब करीब गौरवपूर्ण क्रांति हुई, और गौरवपूर्ण क्रांति के बाद में जब ब्रिटेन के शासक में संसद का महत्व बढ़ने लगा, राजतंत्र कम होने लगा, तो उसके बाद में संसद के द्वारा ब्रिटेन के माध्यम से, ब्रिटेन की सेना के माध्यम से अमेरिका पर पाबंदियां लगाने की कोशिश की, अमेरिका को उसी प्रकार से ट्रीट करने की कोशिश की जिस प्रकार से उपनिवेश था बनते हैं। पर अमेरिका की जनता पहले से सीखी वाली जनता थी, सुशिक्षित जनता थी, और सुशिक्षित जनता होने के कारण वो ब्रिटेन की नीतियों को भाप पाई, और भापने के कारण जब इनके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा अमेरिका के ऊपर ज्यादा प्रेशराइज किया गया, तो लोगों के इसके द्वारा इसका विरोध किया गया। तो ब्रिटेन की क्या थी नीतियां, ये नीतियां कौन कौन सी थी? अगर हम इन नीतियों की बात करें तो सबसे पहले जो शासन पद्धति थी अमेरिका में, शासन पद्धति, ये शासन पद्धति कहीं ना कहीं ब्रिटेन से अमेरिका के आजादी का कारण बना। शासन पद्धति कैसी थी? यहां पर जो प्रमुख व्यक्ति था उसे कहा जाता था गवर्नर। क्या कहा जाता था? गवर्नर। कहां पर? अमेरिका में। गवर्नर की नियुक्ति की जाती थी ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। और ब्रिटिश क्राउन गवर्नर की नियुक्ति करता था, और गवर्नर के पास में मनोनीत सदस्य होते थे। कौन होते थे? मनोनीत सदस्य, जिसके माध्यम से गवर्नर कार्य करता था। कहां पर? अमेरिका में। और एक और संस्था थी प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा, जो अमेरिका की जनता के द्वारा चुनी गई रहती थी और जिनको कानून बनाने का अधिकार था। और जब ये लोग कानून बनाते थे, पर कानून तभी लागू होगा जब कौन हस्ताक्षर करेगा? गवर्नर। और गवर्नर किसके द्वारा चुना गया? ब्रिटेन के द्वारा। मतलब अगर कभी भी अमेरिका की जनता अमेरिका की आजादी वाला कोई कानून बनाती थी, तो गवर्नर उसको रिजेक्ट करेगा कि अप्रूवल देगा? रिजेक्ट करेगा। तो स्वाभाविक रूप से प्रतिनिधि सभा कहीं ना कहीं दुखी होंगी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका में शासन पद्धति ही कहीं ना कहीं अमेरिका की आजादी का कारण बना। कोई दिक्कत? दूसरा कारण, अमेरिका में वाणिज्यवाद पर बल दिया गया। किस पर बल दिया गया? वाणिज्यवाद पर बल दिया गया। दूसरा कारण क्या कारण था? वाणिज्यवाद क्या होता है पहले वो अगर क्लियर हो जाएगा तो आपको बहुत सारी बात की। वाणिज्यवाद का मतलब होता है, ये वाणिज्यवाद आपको इकोनॉमी में कुछ बातें पढ़ाएंगे हम जब लेक्चर लेंगे। पहले ये माना जाता था कि राज्य को हमेशा शक्ति को प्राप्त करने के लिए ललायित होना चाहिए, हमेशा शक्ति के पीछे भागना चाहिए। अगर शक्ति के पीछे नहीं भागेगा तो राज्य दुर्बल हो जाएगा, और कोई दूसरा राज्य आकर उसको हस्तक्षेप करके उसको प्राप्त कर लेगा। और यही कारण रहा कि इस अवधारणा को वाणिज्यवाद कहा गया। और अमेरिका का लगातार शोषण करने की कोशिश की ब्रिटेन ने, ताकि अमेरिका के संसाधनों का उपयोग करके ब्रिटेन अपने क्षेत्र का लगातार विकास करते रहे, और इसी को कहा गया वाणिज्यवाद। और अमेरिका का जब इसी प्रकार से शोषण किया गया वाणिज्यवाद नीति के माध्यम से, तो जनता में क्या हुआ?
आक्रोश आया और जनता जब आक्रोशित हुई तो अमेरिकी क्रांति दिखाई दी। क्या क्या नीतियां बनाई उन्होंने? तो भैया उन्होंने सबसे पहले एक नीति बनाई, नो परिवहन नीति। नो परिवहन नीति मतलब अगर आपको कभी भी ब्रिटिश अमेरिका से कहीं पर भी अगर व्यापार करना है तो व्यापार केवल उन्हीं जहाजों में करूंगे जिसका पंजीकरण ब्रिटेन में हुआ हो, कोई और जहाज में नहीं करूंगे। आया समझ में? पहली बात नो परिवहन की नीति। अब मतलब भैया तुमको इन्हीं के साथ व्यापार कर, इन्हीं के साथ माल लादना है, तो मतलब दूसरे जो जहाज रहेंगे, दूसरे देश के जहाज रहेंगे, वो कम कीमत पर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। पर अब ब्रिटेन वाले के साथ जब एकाधिकार हो गया तो इन लोगों ने लगातार कीमत बढ़ाते चले। नुकसान किसका हुआ? अमेरिकी नागरिकों का नुकसान। दूसरा क्या रहा? औद्योगिक नीति क्या थी इनकी? औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति में क्या था कि इनके द्वारा क्या किया गया? ब्रिटेन ने कहा कि भैया तुम उन वस्तु का उत्पादन यहां अपने उद्योगों में नहीं करोगे जिन वस्तु का उत्पादन ब्रिटेन में हो रहा है, और बदले में तुम अपने देश का कच्चा माल कहां पर दोगे? हमें दोगे। भैया यहां पर लोह अयस्क बहुत है, कोयला बहुत है, तो स्वाभाविक रूप से यहां पर अगर उत्पादन होगा और इसी का उद्योगों में प्रयोग होगा तो यहां औद्योगिकरण होगा। पर आपको सबको पता है वाणिज्यवाद जो रहता है वो कहीं ना कहीं मातृ देश की शक्ति को बढ़ाने के लिए रहता है। तो मातृ देश कौन है? ब्रिटेन। और पुत्र देश कौन है? अमेरिका। तो अमेरिका का हमेशा शोषण कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा। तो औद्योगिक नीति के कारण जब अमेरिका का शोषण होने लगा तो ब्रिटेन की जनता तो खुश हो रही थी परंतु अमेरिका की जनता दुखी, तो कहीं ना कहीं असंतुष्टि आई, अमेरिकी क्रांति दिखाई दी। और एक और कारण दिखाई दिया, व्यापारिक नीति। आपको कुछ वस्तुएं जो कृषि के क्षेत्र में उत्पादित होती हैं, उन वस्तुओं को केवल बेचना है तो केवल और केवल अमेरिका में ही, तो ब्रिटेन में ही, और किसी को नहीं बेच सकते। और यहां औद्योगिक क्रांति चल रही थी, दो ही वस्तु की आवश्यकता थी, एक थी लोह अयस्क की जो हमने औद्योगिक नीति में बता दी, दूसरा था कपास, क्योंकि यहाँ पर वस्त्र उद्योग ज्यादा बन रहे थे और वस्त्र उद्योग के लिए चाहिए था कपास, तो कपास सबसे अच्छा उत्पादित होता था कहाँ पर? अमेरिका में। तो अमेरिका में उत्पादित होता है तो उसका निर्यात कहाँ होगा? केवल और केवल ब्रिटेन में। और जब ऐसा होने लगा तो इसके कारण क्या हुआ? अब आप बोलोगे सर फायदा तो है, उनको मार्केट तो मिल गया बिकने की। भैया ये लोग बेतहा जो कीमत रखनी रहती थी उस कीमत पे, एक रुपए मान के चलो किलो के हिसाब से ले लेंगे, 10 रुपए लागत लग रही है एक किलो के हिसाब से बेचना, तो नुकसान होगा कि नहीं? तो ये कहीं ना कहीं क्या बना? अमेरिकी लोगों की असंतुष्टि का कारण। क्लियर हुआ? एक और बात देख लेते हैं, एक छोटा सा कारण लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में लेंगे। एक और कारण है, एक कारण है बौद्धिकों की भूमिका, बौद्धिकों की भूमिका। एक लास्ट कारण इसी को ले लेते हैं, अगले जब आएंगे उसमें। बौद्धिकों की भूमिका मतलब प्रबोधन काल में बहुत सारे चिंतक थे जिन्होंने कहा था कि प्रकृति की ओर लूटो, जो मनुष्य है वो पहले से ही कैसे स्वतंत्र है परंतु समाज के कारण जकड़ा हुआ है, ये बात बोली गई। और जब ये सब बातें, प्रबोधन काल की बातें जब लोगों के माध्यम से अमेरिका में आई और लोगों ने उन किताबों को पढ़ा, और जब उन किताबों की अवहेलना ब्रिटेन के कानूनों ने करने लगे, तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जनता में ब्रिटेन के प्रति असंतोष आया और उनके द्वारा क्या किया है? क्रांति शुरू की गई। तो बौद्धिकों की भूमिका, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जेम्स ओटिस करके व्यक्ति, इनके द्वारा कहा गया कि भैया आप लोग अपने बल पर उठिए और लगातार कार्य करें। अमेरिका की जनता इसके लिए बहुत अधिक तत्पर रही और जब उनको लगा कि भैया हमारा शोषण होने वाला है तो उन्हें उस शोषण के खिलाफ में आवाज उठाई और आवाज उठाकर अमेरिकी क्रांति को शुरू किया। ये था अमेरिकी क्रांति के कारणों का थोड़ा सा पुलिंदा। अभी 2-3 कारण और है, आप इतने कारण अगर आपको समझ में आए तो एक प्रश्न, केवल प्रश्न लिखना है, अमेरिकी क्रांति के क्या कारण थे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।